अरे मेरा बच्चा। चलें जी, माशाल्लाह से जानवर सूखे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी रात को और हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं से लीकेज आ गई होगी। ये ऊपर छत जो है ये कहीं ना कहीं से लीक हो रही थी और हमने पूरी तरह से इसको बंद करने की कोशिश की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का पानी यहाँ पर मुझे नज़र तो नहीं आ रहा। जो भी पानी है हमने आगे बाउंड्री बना दी थी, इसके आगे आगे ही रहा है पानी और अंदर भी खुश्की बकरे वाली जगह। बारिश का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि ये अंदर ये तवाक पूरा फुल हो चुका है। वहाँ कोने में सुराख हैं, इस वजह से वहाँ पर पानी नहीं भरा। हम इस पानी को इसमें से निकाल लेते हैं। कपड़ों भरनी है बस। ये रहा जी मेरा शहजादा और विश जदे, और ये रहा है गौर शहजादा। इस दफ़ा जो जानवरों का सौदा था वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने करना था सौदा। बहुत सी मंडियाँ घूमी, मलीर मंडी घूमी, सौराब गोट घूमी, मुआश को देखा, 12 नंबर की मंडी देखी, दुम्बा गोट हर जगह देखी। बात यह है कि जहाँ पे आपका नसीब लिखा हुआ है जानवर तो आपने जनाब वहीं से उठाना। लाइन यहाँ से ऑन करते हैं, जानवरों के पास पंखा वंखा चल जाए। ये मैंने लाइन यहाँ की मैंने रात को ऑफ़ कर दी थी क्योंकि जिस हिसाब से बारिश हो रही थी मैंने मतलब कहीं से अगर हल्की से भी तार शॉर्ट हुई तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। जाना चिपक ओके जी। सो जानवरों के आसपास से सफाई भी हो चुकी है, सफाई के साथ साथ मिट्टी भी नरम कर दी चाहिए। इनका अलग है, ये सुसू करना शुरू करते हैं तो बस फिर करते ही रहते हैं। पता नहीं इतना सुसू लाते कहाँ से। ओके जी, माशाल्लाह के हुक्म से सारे जानवर अपना अपना खाना खा रहे हैं। ये तोतों को भी खाना दिया है, तोते भी खा रहे हैं। ये जानवरों को भी हमने जनाब बाहर बांधा हुआ है। अभी बारिश वारिश हो नहीं रही, अच्छा सा मौसम हो रहा था। ओ क्यूटू। जनाब अभी मैं बैल के लिए लेकर जा रहा हूँ रोटी। अभी जानवर को रोटी देते हैं, इंशाल्लाह बड़े शौक से खाएगा और देखते हैं। जरा बारिश कंटिन्यूस हो रही है, थोड़ी थोड़ी जानवर हमारे बिल्कुल पूरी तरह से भीग चुके हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जानवरों को अंदर बांध दूँ। बच्चे हमारे कैमरे के ऊपर का छाता, इसको ऊपर रखेंगे। अम्ब्रेला पकड़, अम्ब्रेला। और
ये हमारा बेल माशाल्लाह से बहुत खाली है इसने। जनाब इधर हमने बांधा धुम्बा, धुम्बे ने जोर मार के जनाब ये आइटम निकाल दिया बाहर यहाँ से। ना सिर्फ ये कि यहाँ से इन्होंने इसे उखाड़ा बल्कि अंदर से जो पिलर है उसको भी इन्होंने अपनी जगह से हिला दिया। इतने ज़ोर वाले लगते तो नहीं हो तुम भैया। अंदर का जो हाल किया सो किया, अब हमने प्लान ये बनाया है कि यहाँ पे रस्सी बांधेंगे और यहाँ पे हम एक किला ठोक रहे हैं, इस किले के साथ एक रस्सी बांधेंगे जिसके साथ हम दुम्बे वगैरह जो भी वो बांध देंगे यहाँ से भी खोल देंगे। जब वो उखाड़ दिया तो कोई चीज़ ही नहीं है इसके लिए। अभी क्या करने जा रहे हो? अब हम मारेंगे। ये लाइट खुलवा ले इधर यार, रस्सी सुबह लाइट बटन मार दे इधर से लाइट खुल जाएगी। अली बटन खोल यार, बटन ये बटन वाह यार उस पे टेक्निका बेयर ग्रिल्स की रस्सी बांधने वाली ना, अब देखते हैं काम करती है नहीं करती। ये ऑटोमेटिक गिठान वाली टेक्निक है, छोड़ दो। ये देख ले बेटा गिठाने बंद रही हैं, ये देख ये देख ये देख ये देख ऑटोमेटिक गिठाने बंद रही हैं। बेहतरीन योगी, अब ये रस्सी टू रस्सी ना अपने जानवर बंद सकते हैं। ये ऑटोमेटिक ये लगी बिठाने इसके ऊपर, इसके बीच में दाग बांधेंगे ना आगे पीछे नहीं होगी रस्सी। यानी सीन अभी कुछ इस तरह है कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और उससे ये है कि पूरे के अंदर ये देखें इधर से भी रिसाव आना शुरू हो गया, यहाँ पर भी रिसाव आ रहा है। तो जानवरों को यहाँ खड़ा करना मज़ेदार नहीं, लेकिन सारे नीचे ना ये गीला गीला हो चुका है। तो अब हमने प्लान ये बनाया है कि हम यहाँ पर बांधेंगे जानवरों को, मिट्टी वगैरह यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर पूरी लोकेशन तैयार कर लेंगे जानवरों की। उधर मैं जगह की सेटिंग करने में लगा हूँ, यहाँ ये लोग दुम्बे नहला रहे हैं। वाह भाई वाह। हो गए जी, यहाँ पर ये जगह तो हमने कर ली है तैयार, यहाँ पे आ गई है अब नरम मिट्टी और ये जगह स्लोप के अंदर ही होंगे ताकि पानी आए तो इस जगह पर आए और जानवर रहे हमारे सूखे। मूसलाधार बारिश के साथ साथ आपसे लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेगा न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।